वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल एस्ट्रो साई गुरु में स्वागत है। आज हम अक्टूबर का राशिफल खासकर मिथुन राशि वालों के लिए मैं लेके आया हूँ। मेरे पास मिथुन राशि वालों के काफ़ी रिक्वेस्ट आए थे कि गुरुजी आप हमारे अक्टूबर का जो है कैसा राशिफल रहेगा, क्योंकि मिथुन राशि बेसिकली बुध की राशि है, बड़ी इंपॉर्टेंट राशि है, बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बड़े चतुर होते हैं, बिजनेस में इनके बड़े सक्सेस होते हैं, लिटरेरी फील्ड एक्टिंग में और म्यूजिक में भी बड़े अच्छे इनको महारत हासिल है। मगर कुछ समय 15-16 महीने से खासकर मिथुन राशि जेमिनी मिथुन लगन और मिथुन राशि वाले लोग वो काफ़ी समय से कष्ट में गुजर रहे हैं, तो ऐसे में इनके लिए जो है अक्टूबर का जो मैं ये बताना चाहता हूँ, अक्टूबर महीना इनके लिए एक बहुत बड़ा ट्रेंड सेटर होने वाला है। और इसका एक इसकी पृष्ठभूमि ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अक्टूबर इम्पोर्टेंट इसलिए रहेगा। अक्टूबर में देखिए एक तो दो घटनाएं इम्पोर्टेंट आने वाली हैं। एक तो 14 तारीख को जो सूर्य ग्रहण हो रहा है जो इंडिया में नज़र नहीं आएगा, फिर 28 को चंद्र ग्रहण है, 30 तारीख को एक बहुत बड़ा मेजर ट्रांसिट राहु और केतु का है, इसका दूरगामी इम्पैक्ट रहने वाला है। और खासकर मिथुन राशि वालों के लिए, क्योंकि वो काफ़ी समय से जैसे मैंने पहले बताया इनको बिजनेस में दिक्कत आ रही है, इनको नौकरियों में दिक्कत आ रही है, इनके रिलेशनशिप्स में दिक्कत आ रही है, इनकी हेल्थ में दिक्कत आ रही है, तो कोई ऐसा एरिया बचा नहीं है कि जहाँ पे इनको तकलीफ ना आई है, तो इसलिए इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इज एट द लोएस्ट लेवल। तो ऐसे में जो है मिथुन राशि वालों के लिए कॉन्फिडेंस ढूंढना या पॉजिटिव ढूंढना कुछ मुश्किल ही है, कठिन है। मगर ऐसे में मैं इनके लिए ये जरूर कह सकता हूँ, देखिए मेरे मिथुन राशि के और मिथुन लगन वाले मेरे डियर सब्सक्राइबर्स, ये मंथ आप याद रखेंगे, ट्रेंड सेटर मंथ होने वाला है। इसके बेसिक रीजंस क्या है मैं ज़्यादा आपको एस्ट्रोलॉजिकल उससे कंफ्यूज नहीं करूँगा, मैं सिर्फ एक चीज़ बताना चाहूँगा, चार मेजर ग्रह हमारे लाइफ के इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं आपकी पूरी पूरी जिंदगी की लाइफ कैरियर और आपके चारों एरियाज ऑफ लाइफ। इसमें देखिए राहु और केतु आपका, और उसके साथ शनि जो कि कैरियर का और आपके ग्रोथ का, और फोर्थ गुरु। ये चारों ग्रह जो है आपके लिए अभी जो है बड़े फेवरेबल स्थिति पे बैठे हैं। इसकी मैं सबसे पहले बता दूं कि अभी 11वां भाव आपका लाभ भाव होता है, लाभ भाव पर हमारे गुरु भगवान ऑलरेडी जुपिटर बैठे हैं, अभी साथ में नो राहु है तो गुरु चांडाल योग बना हुआ है, वो चिंता की बात नहीं है। अब 30 तारीख को क्या होगा, गुरु भगवान इंडिपेंडेंट 11वें भाव लाभ पे रहेंगे, साथ ही के हमारे राहु भगवान जो है वो 10वें भाव आपके कैरियर भाव पे आ जाएंगे, साथ ही उसके बिल्कुल ऑपोजिट 180 डिग्रीज पे उसके सामने केतु बदान फोर्थ हाउस पे आ जाएंगे। फोर्थ हाउस क्या है आपका, हाउस ऑफ लग्जरीज, हाउस ऑफ प्लेजर्स, भूमि वाहन सुख माता का ये है। साथ में देखिए 9वां भाव जो है आपका जो कि डेस्टिनी का भाव है, उस पर किसका गोचर हो रहा है, शनि का हो रहा है। तो जो चारों में ग्रह, चारों ग्रह जो है इंपॉर्टेंट, राहु केतु शनि और गुरु, चारों बहुत ही शानदार पोजीशन पर प्लेस हैं और केंद्राधिपति योग भी बन रहा है इसमें। तो चारों जो है देखिए फोर्थ हाउस पर केतु हैं और 10th हाउस पे राहु हैं, फिर 11th हाउस पे फिर जुपिटर हैं, 9th हाउस में फिर शनि हैं। तो ऐसे में इतना मैं ये कह सकता हूँ ये आपके लिए मेजर आपके लाइफ में एक परिवर्तन का समय है। ये परिवर्तन हो सकता है आपको अभी ना दिखे, आप चाह रहे हैं कि इसका परिवर्तन अक्टूबर में नहीं दिखेगा, मगर इसकी दूरगामी परिणाम होंगे, दूरगामी रिजल्ट्स आने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें बदलाव जो है आपके मेजर बदलाव परिवर्तन आपके हर क्षेत्र में बदलाव आएगा, आपके कैरियर में आएगा, जो नौकरी पेशा है नौकरी में, नई नौकरी में आ सकते हैं, आपको नौकरी का स्थान परिवर्तन हो सकता है, आपके जो है बिजनेस में भी जो है न्यू आइडियाज आ सकते हैं, आपको नई चीज़ें, नई यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी हो सकता है, आप हो सकता है कि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी AI चैट GPT ऐसे टूल्स पे इस्तेमाल करें, ये सब उस पे दे। तो बड़ा बदलाव दिखा रहा है, तो आपके उसमें ये हो सकता है कि किसी को बड़ा बदलाव हो रहा है, किसी को छोटा बदलाव हो रहा है, मगर वो बदलाव तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो काफ़ी समय से जो शादी की दिक्कतों से फेस आ रहे थे, शादी का योग बना हुआ है, मगर ये नहीं कि आपका योग आप चाह रहे हैं कि अक्टूबर में ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है, योग बना हुआ है, आपको 2-3 महीने में अच्छे रिजल्ट आएंगे। रिश्तों में नए बहुत जो काफ़ी समय से जो कठिनाई आ रही थी वो उसमें दूर होगी,
पार्टनरशिप में एक नया डिफाइनिंग पार्टनरशिप का टाइम आ रहा है। इसमें नए वेंचर्स, न्यू आइडियाज, न्यू जॉब्स, न्यू एरियाज ऑफ वर्क कल्चर आएगा, तो रिजल्ट्स विल बी 100% पॉजिटिव, इसमें कोई शक नहीं है। मैं सिर्फ एक ही कहूंगा, एक्सेप्ट द चेंज, चेंज इज हियर टू स्टे। और मेजर परिवर्तन का समय जब अगर जब भी आता है तो पूरी बिल्डिंग हिलती है, और इसको आप सहज ही स्वीकार करें, एक्सेप्ट इट ईजिली, बिकॉज कहते हैं कि अगर आपने वॉट यू रेजिस्ट परसिस्ट, वॉट यू एक्सेप्ट इट विल फ्लो टू यू। तो इनिशियली ये हो सकता है कि ये चेंज जो है आपको थोड़ी तकलीफ दे, मगर इसके लॉन्ग टर्म दूरगामी परिणाम होंगे। तो जैसे कहते हैं ना कि एक आप बीज बोते हैं, आपको इमीडिएटली आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि भी उसमें फल लगेगा या उसमें सीड लगेगा या उसमें फ्रूट लगेगा, मगर उसकी जो आपने जो नींव इसकी स्ट्रांग कर दी है तो वो हो सकता है कई वर्षों तक या कई पीढ़ियों तक उसका आपका फल दे। तो ऐसे में पूरी मेरी कहने की एक ही तात्पर्य है कि जो जो मेजर हाउसेज होते हैं, फोर्थ हाउस देखिए राहु और केतु वो परिवर्तन का है, फोर्थ हाउस और टेंथ हाउस वो राहु और केतु की दृष्टि वो परिवर्तन है, ग्यारहवा भाव लाभ का गुरु भगवान की दृष्टि वो भी फेवरेबल है, आपका भाग्य भाव डेस्टिनी भाव उस पर शनि का गोचर है। तो चारों मेजर जो प्लैनेट्स जब जो पूरे जब इस योग पे आ रहे हैं, तो इसीलिए ये अक्टूबर का महीना मिथुन राशि मिथुन लगन वालों के लिए ये बहुत ही जो है बड़ा बदलाव लेके आ रहा है। इस बदलाव को सहज इसको स्वीकारें, इसको एक्सेप्ट करें, और मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि ये जो बदलाव जब आएगा, अभी हो सकता है किसी के लिए अच्छा हो, किसी के लिए बहुत अच्छा हो, किसी के लिए एवरेज हो, किसी के लिए थोड़ा और कम हो, मगर इसको हर मिथुन राशि और मिथुन लगन वाले को टच करेगा, ये 100% इट इज देयर। तो ऐसे में मैं आपको मिथुन राशि और मिथुन लगन वालों को इस अक्टूबर का जो ये ट्रेंड सेटिंग मंथ जो है, ये आने वाले 18 महीने और 18 हो सकता है कि कई साल तक आप इसको याद रखेंगे और आप कहेंगे कि भाई वो महीना था जब हमने मेजर चेंज लाइफ में लिया। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, एंड आई विश ऑल माय मिथुन राशि फ्रेंड्स और मिथुन लगन वालों को गुड विशेस।